नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। दोस्तों, ये एक हमारे स्टूडेंट हैं और ये अभी अभी जस्ट थ्योरी चली है और जस्ट ये सभी हमारे स्टूडेंट आए हैं और ये वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही थ्योरी चलती है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल तुरंत होता है और प्रैक्टिकल हमारे 8-9 जब भी बसते हैं पूरे प्रैक्टिकल वाइज चलती है। तो दोस्तों, मैं आपसे बता दूं, ये पहले तो अपना नाम बताइए और कहां से हैं आप? मेरा नाम छोटेलाल कुमार सैनी है, मैं नेपाल से आया हूं। नेपाल से आप आए हैं, तो आप हमें ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम है और आप क्या कर रहे हैं अभी? नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक सैमसंग का J2 मॉडल आया है, जिसमें जब चार्जिंग में लगा रहे हैं तो इसमें चार्जिंग गिरावट करके। ठीक है, तो मतलब आपके पास एक सेट है, कस्टमर का एक सेट है, तो आप दिखाइए, लाइव दिखाइए कि उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। मतलब जैसे ही आप चार्जिंग पे लगा रहे हैं तो उसमें एक एरर आ रहा है, तो वो एरर दिखाइए। आपने जैसे ही चार्जिंग पे लगाया दोस्तों, देखिए चार्जिंग का आइकन आया, उसके बाद एक एरर आ रहा है, बैटरी करके कुछ एरर आ रहा है, क्रॉस करके एक बैटरी एरर करके आ रहा है। तो आप इसके बारे में बताइए क्या है। देखिए, मैं स्टूडेंट से सोल्यूशन इसका निकलवाते हैं, पूरा आपको लाइव दिखाते हैं कि कैसा इसका क्या सोल्यूशन करना है। चार्जिंग का एरर है, जैसे ही आपने इसको लगाया तो एक चार्जिंग करके एरर आ रहा है, ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, बताइए क्यों एरर आ रहा है? ये जो एरर है हमारा, जो चार्जिंग एरर है, ठीक है, चार्जिंग का एरर आ रहा है। ये जो एरर दोस्त पहले जान देते हैं, ये जो है कि एरर आ कहाँ से रहा है? ये आपके बैटरी कनेक्टर के बीएसआई पॉइंट से आ रहा है। तो वो क्या हो गया, बीएसआई वाली पॉइंट क्या हो गई है? पॉइंट हम ट्रेस करेंगे, वहाँ पे ओपन हो गया होगा, बीएसआई लाइन हमारी क्या हो गई है, ओपन हो गया होगा। चलिए चेक करके बताइए, चेक करके देखेंगे। तो बैटरी कनेक्टर के सभी पिन को चेक करेंगे, बीबैट, बीएसआई, ग्राउंड और एनसी। सैमसंग में कितने पिन होती है? चार पिन होती है। ठीक, इसमें हम कूल टेस्टिंग करेंगे पहले। कौन सी टेस्टिंग करेंगे? कूल टेस्टिंग करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, वो एनसी होगा। ठीक है, एनसी है। ये हमारा ग्राउंड मिल गया, ग्राउंड पॉइंट है। ठीक है, और ए बीच वाला है वो हमारा बीएसआई भी। देखिए दोस्तों, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, मतलब हमारी बीएसआई की लाइन क्या हो गई, ओपन। जैसे हम चार्जिंग को लगा रहे हैं तो बीएसआई से, मैं बता दूं, बीएसआई से फोन डेड भी हो जाते हैं और बीएसआई से फॉल्ट आ रहा है चार्जिंग का, मतलब बैटरी क्रॉस करके एरर आ रहा है। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, ये बीएसआई का फॉल्ट है। तो बीएसआई का जैसे हम रीडिंग दिखा रहे हैं आपको, बीएसआई में एक बार फिर लगाइए। ये देखिए, बीएसआई में कोई रीडिंग नहीं आ रही, तो मतलब बीएसआई की लाइन ओपन हो चुकी है। और उसमें दिखाइए, बीबैट में दिखाइए, बीबैट में देखिए 350 रीडिंग आ रही है, मतलब हमारा बीबैट सही है, सब कुछ सही है, बीएसआई की लाइन हमारी ओपन हो गई। तो ये हमारा जो चार्जिंग का प्रॉब्लम था वो हमारा कहाँ से हो गया? बीएसआई पॉइंट से क्रैक हो रहा है, बीएसआई पॉइंट से हमारा हो गया। तो अब उसे क्या करेंगे हम? पहले हम लोग यहाँ पे ट्रेस करेंगे, बीएसआई की लाइन को ट्रेस करेंगे। तो बीएसआई की लाइन आपने ट्रेस करके रखा है, पहले से ही ट्रेस कर लिया है, तो एक बार फिर भी हमारे व्यूवर को दिखा दीजिए कि बीएसआई की लाइन आपने ट्रेस कर रखा था। बीएसआई की लाइन में बता दूं, एक क्वाइल लगा था, क्वाइल जो बीएसआई की लाइन में क्वाइल और रजिस्टर आपको मिल सकते हैं, तो बीएसआई की लाइन में जो क्वाइल था वो ओपन हो गया है। मतलब ओपन वही होता है, सीरीज कंपोनेंट। कौन होता है? सीरीज कंपोनेंट। ठीक है, तो आप दिखाइए उसको, पहले इसको ओपन कर लेते हैं अच्छे से, पीसी भी दिख ले। ठीक है, अब ट्रेसिंग करेंगे दोस्तों। तो ट्रेसिंग के दौरान ये आप बीएसआई लाइन को फाइंड करेंगे, बीएसआई लाइन में लगा आपको रजिस्टर या तो क्वाइल मिल सकता है, तो उसी को, वो रजिस्टर या तो क्वाइल आपका ओपन हो गया है, तो आप उसे ओपन क्वाइल या रजिस्टर को फाइंड करेंगे और उसको निकाल के या तो जंपर करेंगे या तो रिमूव करेंगे। सर, मैंने इसमें ट्रेस किया तो शायद पहले कोई इसमें काम किया हुआ था। हाँ? जिसमें मतलब मेरे को लगा यहाँ पे कोई कंपोनेंट्स उखड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ? यहाँ से निकला हुआ है, तो मैंने ट्रेस किया तो वहाँ पे इसका एक कंटिन्यूटी मिल गया, बीएसआई पॉइंट का कंटिन्यूटी मिल गया। टिप्स पे आपको कंटिन्यूटी मिल गई, मिल गया जी। तो दो टिप्स आपको दिख गए वहाँ पे। अब मैं आपको जूम करके और भी थोड़ा दिखा देता हूँ, नहीं होगा तो अभी हम एलईडी में दिखाएंगे। ये जो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ था कुछ, ये दो टिप्स दिख रहे हैं। यस सर। तो एक टिप्स पे दिखाइए क्या कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखिए दोस्तों, बीप आ रही है, मतलब बजर मोड में हम सेट करते हैं, कोल्ड टेस्टिंग करते हैं, कोल्ड टेस्टिंग में हम कंटिन्यूटी लेते हैं। एक बार फिर दिखाइए, और भी अलग जगह चेक करिए क्या और जगह आ रही है क्या बीप। और जगह नहीं आ रहा है सर, और जगह बीप नहीं आ रही, मतलब वो वहां पे टिप्स आपको दिख रहा है, वहां पे एक कॉम्प्रेंस हो सकता है। तो आप इसमें माइक्रोस्कोप में दिखाइए,
वो जो दो टिप्स हैं उसको आप माइक्रोस्कोप में दिखाइए। हम दोस्तों आपको दिखा देते हैं वो टिप्स यहाँ पे मिला है, और वो टिप्स हम इन्हें दिखाते हैं कि वो टिप्स दो टिप्स हैं वो जो कंट्रिटी में मिली थी, तो किसी टेक्नीशियन ने उस टिप्स को हटा दिया है। ये देखिए दोस्तों, हाँ ये तो दो टिप्स आपको दिख रहे हैं साफ साफ, ये दो टिप्स दिख रहे हैं, इससे में इसमें कंट्रिटी मिली है। तो हमने उसको सीरीज पैलर चेक किया, तो सीरीज में है कि पैलर में है? पहले इसको हमने टेस्टिंग कंटिन्यूटी मोड पे मीटर को रख के हमने टेस्ट किया, तो वो सीरीज में लगा हुआ था सर। सीरीज में लगाया, तो हमने कोल्ड टेस्टिंग किया, फिर वो जो टिप्स था दोनों टिप्स पे देखा कि वो सीरीज में है कि पैलर। अगर वो पैलर होता तो हम उसे कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो सीरीज में है तो हम उसे क्या कर सकते हैं? जम्पर कर सकते। तो जम्पर करिए, चलिए पहले तो ये चेक करके हमें बता दीजिए, अगर सीरीज में है तो एक तरफ रीडिंग आनी चाहिए, दूसरी तरफ रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो आप चेक करिए उस दोनों टिप्स पे, मल्टीमीटर को थोड़ा ऐसे रख लीजिए, ठीक। यही कंपोनेंट्स है, यहाँ से देखिए एक टिप्स पे रीडिंग नहीं आ रही है, ओपन है, दूसरी टिप्स पे रीडिंग नहीं आ रहा है, इस साइड से रीडिंग आ रही है। दोस्तों दूसरी तरफ रीडिंग आ रही है 700 कुछ। अब इसे हम क्या करेंगे? जम्पर करेंगे, मतलब सीरीज कनेक्शन हमें दिख रहा है। अभी हमें ये नहीं पता है कि उसमें कॉयल लगा था कि रजिस्टर लगा था, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसे वन टाइम क्या करेंगे? जम्पर करके वन टाइम क्या करेंगे बताओ चाची जी को? उसमें दो टिप्स मिले हैं, तो वन टाइम सीरीज कॉम्प्लेन्स को क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे मतलब जम्पर कर देंगे उसको। वेरी गुड, तो चलिए करिए प्रैक्टिकल लाइव करिए, ठीक है करिए, जम्पर करिए उसको। आप पहले जम्पर कर लीजिए, फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में दिखा देंगे। अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों देखिए, जो दो टिप्स थे मैं आपको टच करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये दो टिप्स था, एक ये और एक ये। यहाँ पे हमारी कंट्रिटी मिल रही थी, दूसरे साइड हमारी बीप नहीं आ रही थी, क्योंकि और एक तरफ रीडिंग आ रही थी, दूसरी तरफ रीडिंग नहीं आ रही थी। तो बीएसआई की लाइन हमने ट्रेस किया, अब बीएसआई लाइन को जैसे हमने ट्रेस किया दोस्तों, तो आपको बता दूं यहाँ पे एक तरफ रीडिंग आ रही, दूसरी तरफ रीडिंग नहीं आ रही थी। तो हमने सीरीज कॉम्पोनेंट था सबसे पहले, तो सीरीज पैलर चेक किया कि सीरीज में एक पैलर, अगर ये पैलर होता तो हम इसे कुछ भी नहीं करते, अगर ये सीरीज में था तो हमने इसे क्या कर दिया? जम्पर कर दिया। तो जम्पर कर दिया, तो हमारी बीएसआई पे देखिए लाइन वोल्टेज रीडिंग आ रही कि नहीं? यस सर आ रही है। ये देखिए दोस्तों बीएसआई पे हमारी रीडिंग आ गई, ये होती है ट्रेसिंग। ये क्या होती है? यही होती है ट्रेसिंग, मतलब बीएसआई की लाइन हमारी ओपन हो गई थी, फिर भी उसे एक कारण और हो सकता है, हमारा फोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी ये चार्जिंग का पॉज अभी प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी हमने बीएसआई पहले फर्स्ट स्टेप था। चार्जिंग सोल्यूशन दोस्तों मैं एक बता दूं, चार्जिंग सोल्यूशन फिक्स यही नहीं है, हमने पहला स्टेप सॉल्व किया है कि बीएसआई पे पहले हमने देखा कि बीएसआई पे कोई रीडिंग नहीं था, तो बीएसआई की लाइन को हमने ट्रेस किया, वहां पे एक कॉम्प्लेंट उखड़ा हुआ था तो उसे हमने शॉर्ट कर दिया। अब देखते हैं कि हमारा चार्जिंग सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है करिए। देखिए दोस्तों बैटरी को हमने लगा दिया है, और अब देखते हैं कि ये चार्जिंग रह आती है कि नहीं आती है। ये देखिए चार्जिंग का आइकन तो शो हो गया, अब देखते हैं कि हमारा वो एरर दूर होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों पहले 0 पॉइंट नहीं आ रहा था, हमारी कोई परसेंट चार्ज नहीं है, देखिए हमारी दोस्तों चार्जिंग होने लगी ना। यस सर चार्जिंग हमारी देखिए, दिखा दीजिए स्टूडेंट को हमारे, दिखा दीजिए चार्जिंग ये होने लगी, ये देखिए चार्जिंग होने लगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एरर था बीएसआई की लाइन से, ये एरर कहां से था? मतलब हमने बीएसआई लाइन को फाइंड किया, उसमें जो भी हमने फाइंड किया तो उसमें कोई कॉम्प्लेंट दिख नहीं रहा था, क्योंकि वहां पे उखड़े हुए थे। तो हमने उस कॉम्प्लेंट को सीरीज पैलर चेक किया कि वो कॉम्प्लेंट सीरीज में लगा था कि तो वो सीरीज अगर पैलर होता तो हम उसे जम्पर करते क्या? नहीं करते। तो वो क्यों किया हमने जम्पर उसको बताओ? क्योंकि वो सीरीज में था, एक तरफ रीडिंग आ रही थी दूसरी तरफ रीडिंग नहीं आ रही थी। तो हमने कर दिया, और आपके सामने लाइव भी हमने दिखाया कि वहां पे हमारा चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अच्छा चलो ठीक है, अब हमें बता दूं ये 5 ही दिन का हुआ है दोस्तों क्लास, तो और मैं आपको बता दूं किन किन ने आईसी रिबॉल्व की है।
हाथ उठाइए जिनने जिनने आईसीसी बॉलिंग की है, आईसीसी बॉलिंग की है आप लोगों ने। अब वो लोग हाथ उठाएंगे जिनने चालू सेट को आईसी निकाल के फिर बॉलिंग की है और ऑन किया है। आपने कितने बार ऑन किया? चार या पांच? परफेक्ट बताइए। पांच बार किया मतलब चालू बोर्ड को किया कि बंद बोर्ड को किया? चालू बोर्ड को उसको आईसी निकाल के रिबॉलिंग करके आपने लगाई जी। आपने कितने बार आईसी को लगाया? पांच बार। सही बता रहे हैं कि हम ऐसा ऐसे टेलीकॉम ऐसा आपसे बोलने को बोल रहा है, क्योंकि देखिए आपका आउटपुट देख के और भी आते हैं, क्योंकि आपने भी किसी का आउटपुट देख के आया यहाँ पे। सर सही बता रहे हैं सर। आपने चालू बोर्ड का निकाल के आईसी फिर लगा के उसको रिवॉल्व करके चालू किया? चालू को भी किया, बंद को भी किया। चालू बंद को चालू किया, वेरी गुड। आपने? मैंने छह बार किया। छह बार किया मतलब सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल राइट। आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। सात बार कर रहा हूँ ये फोन। ये सातवां बार आप कर भी रहे हैं? ये देखिए दोस्तों, ये सातवीं बार उस सेट को ऑन भी कर रहे हैं। अगर ये ऑन हो जाएगी, अगर आपके ऑन वीडियो हमारे एंड होते तक ऑन हो जाएगी तो मैं और ये दिखा भी दूंगा, तो आप उसको फटाक से लगा दीजिए, क्योंकि एक बार मैं दिखा भी दूंगा कि ये ऑन हुआ कि। और आपने कितने बार लगा के निकाल के ऑन की? पांच बार किया है। पांच बार किया है मतलब परफेक्ट हो गया? परफेक्ट हो गया, वेरी गुड। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।